Hindu India and Muslim India must be separated. अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो आज हम लोग लगाने वाले हैं घर में झंडा पाकिस्तान का, क्योंकि 14 अगस्त करीब आ रही है, हैप्पी इंडिपेंडेंस आ रहा है हमारा। तो आज हम घर में मिलके झंडा लगाने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है हमारे हुक्मरान ने, लेकिन फिर भी ये जो हमारी झंडा लगाने की जो रस्म है ना, ये उन लोगों के लिए 1947 में जिन्होंने मेहनत की थी और पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, तो हम उसकी याद में हम ये झंडा लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या हुआ असल, लाइट गई क्या? लाइट चली गई। अरे यार यूपीएस ऑन कर यार, असल यार यूपीएस ऑन कर, जल्दी कर। खैर है, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो भाई यूपीएस पे कन्वर्ट कर दिया वो लाइट। अभी तो यहाँ अभी आप सबको पता है, लाइट नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, सब कुछ नहीं, सांस नहीं, मतलब इंसान नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो भाई, चलो भाई आ जाओ। तो भाई आज हमारे साथ झंडा लगाने में जो हेल्प करने वाले हैं, हेल्प तो नहीं तंगी करेंगे, मिस्टर बक्कू रेडी? यस यस। रौनक, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई ये हमारे हसील भाई, आज हसील भी हेल्प करेंगे झंडा लगाने में। हसील मुगले वतन की टोपी पाकिस्तान की। चलो सही है, मोहब्बत। तो भाई हम बाहर से झंडा भी लेकर आ गए। ओह ये करके कुछ दिखा रहा है, क्या करके दिखा रहे हो बताओ? ओह नाइस नाइस नाइस। चलो भाई झंडे लगाने की तैयारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। असल यार अम्मी को बोलना चाय वाय भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, आज पाकिस्तान का झंडा वंडा लगा रहे हैं थोड़ा सा। क्या कह रहे? पाकिस्तान जिंदाबाद। गैस नहीं है तो क्या हुआ यार? कोई बात नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, कोई मसला नहीं है भाई। चलो भाई लगाओ, असल लगाओ। रौनक साहब झंडे की लगाने की तैयारी कर रहे हैं, झंडा लगा रही हैं। चलो चलो बालकनी में चलो। देखो लाइट नहीं है, लाइट यार कहीं भी नहीं है। ओए 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 टायर पूरा ब्लैकआउट है। ओ भाई ओ यहाँ से यहाँ से यहाँ से असल झंडा लगा रहे हैं। असल क्या कर रहा है? टाइम गेट क्या हुआ? पापा पापा। तो भाई झंडा हमारा लग चुका है अभी, और अब दिल को तसली मिल गई, खुशी हो गई 1947 की याद में, जो हम लोग ये आज दिन मनाते हैं 14 अगस्त का, जो अभी आने वाला है 5-6 दिन में। तो बस अभी ये है कि उस दिन का भी वेट होगा, उस दिन तक ये लगा रहेगा, तो 15-16 अगस्त तक हम निकाल देंगे इसको। और फिर ये है कि मुल्क तो आज़ाद हो गया है, लेकिन हमें आज़ादी नहीं मिली। कह रहे चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।